हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, और जहाँ पे मैं आज आप लोगों को राइडिंग बूट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्योंकि मैंने दो पेयर अपने राइडिंग बूट्स लिए हैं, तो जो हमारे आने वाली फ्यूचर राइड्स हैं उनके लिए हम लोग, तो दोनों ही जो राइडिंग बूट्स आज मेरे सामने हैं और दोनों ही मैंने पर्सनली परचेज़ किए हैं, और आपको दोनों ही बूट्स के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि कहाँ से परचेज़ किए हैं, कैसे कैसे बूट्स हैं और किस राइडिंग पर्पज़ के लिए मैंने बूट्स लिए हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। प्राइसिंग बताने वाला हूँ, कहाँ से परचेज़ किए वो बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल जो इसका जो दोनों राइडिंग बूट्स हैं, इन दोनों के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है इसका, क्योंकि आज अगर आप लोग भी परचेज करना चाह रहे हो मतलब 1000 रुपये से लेके, और अगर मतलब आपका बजट है 3000 रुपये का, तो आप ये दोनों ही बूट्स में से आप कोई भी बूट्स परचेज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये शूज़ मैंने परचेज़ किए हैं, ये अपने वुडलैंड के शूज़ हैं, और इसको हम लोग एंकल शूज़ भी बोलते हैं। देखिए आप, एंकल तक हैं ये, और साथ ही साथ इनके साथ जो मैंने दूसरे पेयर परचेज़ किए हैं वो हैं लिबर्टी के शूज़। तो लिबर्टी के भी एंकल शूज़ हैं, और आपको लिबर्टी वाले हैं सिंगल टोन में आते हैं, और जो आपके वुडलैंड वाले हैं ये थोड़े से रफ़ लुक में आते हैं। और ये देखिए दोनों ही, और इनकी फ़ीचर्स की अगर बात करते हैं तो फ़ीचर्स देखिए, ये वुडलैंड वाले शूज़ हैं आपके, ये आपके वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट हैं आपके, कि आप लोगों का थोड़ा बहुत बारिश वारिश में जैसे हम राइड्स वगैरह करते हैं तो उसमें आप लोग के वाटर रेसिस्ट कर सकते हैं। बट अगर ऊपर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए आप कहीं से भी ना इसका पानी जाने का रहता है कि आप पानी जा सकता है, तो वाटर रेसिस्ट ऊपर ऊपर से कर सकते हैं। सेम लिबर्टी के साथ भी ऐसे, लिबर्टी में भी आप लोगों को वाटर रेसिस्टेंट की फैसिलिटी मिलती है, और इसमें प्रूफ की वाली नहीं, क्योंकि यहाँ से भी देखिए सारे खुले हुए हैं। तो आप लोग इसमें ये है कि आप छोटी मोटी बारिश वगैरह में अगर जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों का जूते के अंदर पानी नहीं जाएगा। प्लस जो स्नो बूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, स्नो बूट्स में आपके वुडलैंड वाले आएंगे, क्योंकि इसमें आपका -10 डिग्री तक का आप लोग को मतलब गर्मी का जो होता है वो आप लोगों को मिलता है, ठंड नहीं लगती। बट लिबर्टी में ऐसा कुछ नहीं है, लिबर्टी में आप लोगों को कोई भी ऐसा कुछ डिग्री वगैरह का मेंशन करके नहीं दिया है कि आप लोग -10 डिग्री या -20 डिग्री में जा सकते हो। ये नॉर्मल राइडिंग बूट्स के पर्पज़ से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और बात करते हैं अगर परचेज़ की, तो ये वाले जो वुडलैंड वाले हैं मैंने अजियो से परचेज़ किए हैं 2700 रुपये में। इसके जो प्राइस अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे हैं वो 3500 के ऊपर के हैं। तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाह रहे हो तो ये आप अजियो से परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बूट्स हैं, इनको एक बार मैं राइडिंग पे पहन के जा चुका हूँ। ये लिबर्टी वाले मैंने अभी परचेज़ किए रिसेंटली में, और इस वाले के जो डील मुझे बहुत बढ़िया मिली है। ये वाले बूट्स हैं आपके 1200 रुपये में पड़े हैं मुझे, और 1200 रुपये में बेसिकली पड़े कैसे हैं, जो आप उसको ऑनलाइन अगर अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से परचेज़ करोगे तो ये आप लोगों को पड़ते हैं 2500 रुपये में, और ये मुझे पड़े हैं 1200 रुपये। 1200 रुपये ये जो फैक्ट्री आउटलेट होता है लिबर्टी का, ये आप लोगों को हर सिटीज़ में मिल जाता है, तो वहाँ से जाके आप लोग ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये 1200 रुपये में आपको बहुत बढ़िया डील मिल जाएगा, तो 50% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाते हैं, और वहीं है आपको 2700 रुपये। बट हाँ, स्टफ़ की अगर बात करते हैं ना क्वालिटी वगैरह की, तो वुडलैंड ऑफकोर्स ये बात है बहुत लिबर्टी से बहुत ऊपर क्वालिटी के आते हैं। तो उस चीज़ में अगर आप लोग परचेज़ करना चाह रहे हो तो आप लोग ये वुडलैंड वाले परचेज़ करो, 2700 रुपये के हैं। और ये आप लोगों को बस वे है स्नो वगैरह में, ठंड में अगर आप जा रहे हो तो ये वुडलैंड वाले लेके जाओ। नॉर्मल राइड्स आप सिटी राइड्स हैं या कुछ है तो आप लोग ये लिबर्टी वाले जूते आप पहन सकते हो। तो दोनों ही मैंने अभी परचेज़ किए हैं, और अभी दोनों में ही एक बार लॉन्ग टर्म इनका रिव्यू भी बनाऊँगा कि दोनों जूते अगर आप लोग परचेज़ करना चाह रहे हो राइडिंग पर्पज़ के लिए तो दोनों ही इनके कैसे रहेंगे। साथ ही साथ अगर अभी मैं अपनी राइडिंग जैकेट और जो मेरा ट्रैवल बैग है उनके बारे में वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो दोनों भी जल्दी ही मेरे पास आने वाले हैं, वो ही मैंने परचेज़ कर लिए हैं। तो उनके बारे में अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो भाई, ये कुछ आज रिव्यू था मेरे बूट्स का, वुडलैंड और लिबर्टी बूट्स का, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग 1000 रुपये से लेकर 3000 तक का आप लोगों का बजट है, और आप लोग एक बजट फ्रेंडली अगर आप बूट्स परचेज़ करना चाहते हो तो इन दोनों में से आप कोई भी परचेज़ कर सकते हो। और मैं जैसे लिबर्टी वाले जो मेरे शूज़ हैं ये मैं नॉर्मल जो सिटी राइड्स होती हैं उनके लिए यूज़ करने वाला हूँ, और जो मेरे वुडलैंड वाले हैं ये मैं लॉन्ग टर्म जो अपनी राइड्स करता हूँ उनमें यूज़ करूँगा, जो भी स्नो राइड्स हो गए हमारी, और जो यहाँ पे लेह लद्दाख राइड और जो स्पीति वैली वाली, मतलब जितनी भी हायर साइड जहाँ पे जहाँ ठंड पड़ती है उनमें मैं अपना जो वुडलैंड वाले शूज़ हैं ये यूज़ करने वाला हूँ। और आप लोगों को इसके रिव्यू बताऊँगा एक बार मैं लॉन्ग टर्म इनकी राइड्स पर जाके आता हूँ, और वाटर वाला भी बताऊँगा मेरे वाटर रेजिस्टेंट हैं या वाटर प्रूफ हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो कैसे कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इन दोनों के ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग परचेज़ कर सकते हो। आई होप
कोई क्वेरी आप लोगों की इन जूतों से रिलेटेड, या अगर आप लोगों की और कोई क्वेरीज है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। फ्रेंड्स, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए व्लॉग में। तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर।